तो आज भाई हम गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं पोको M3 वर्सेस रियलमी नार्जो 30A का। तो देखते हैं दोनों में से अच्छा कौन टिक पाता है बूट कैम्प में। तो भाई ये गेम प्ले है फिलहाल पोको M3 का। तो इसमें भाई आपको जो ग्राफिक सेटिंग डिफ़ॉल्ट में मिलता है वो मिलता है स्मूथ से हाई 30 FPS। तो इसमें भाई GFX टूल लगा के 40 FPS में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ गेम। तो भाई आप देख ही सकते हैं कितना लैग किया। तो देखते हैं फिलहाल बूट कैंप में और देर सर्वाइव करते हैं, देखते हैं लैग करता है कि नहीं। तो भाई अगर आप फन के लिए गेम खेलते हो तो भाई इस मोबाइल को आप खरीद सकते हो। तो आपको इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा तो लैग करेगा, इड एंगल में आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। तो भाई अगर आप बूट कैम्प जैसा पे खेलते हो तो पता ही है भाई कितना लैग करता है। तो भाई अगर आप नॉर्मल पबजी खेलते हो तो ये फ़ोन ख़रीदना। तो भाई आपको उतरने का टाइम में बहुत ज़्यादा लैग दिखेगा। तो अगर आपको मतलब थोड़ा सर्वाइव कर लेंगे तो एनिमी कम हो जाएगा, तब आपका मोबाइल में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो भाई इसका जायरोस्कोप में मुझे थोड़ा डिले पनती दिखा, तो पता नहीं भाई जायरोस्कोप में इतना डिले क्यों हो रहा है। तो जायरो में भाई बहुत डिले आपको दिखेगा। तो भाई अगर आप जब जब क्लोज में फाइट लेंगे तो आपका भाई ये फ़ोन चिपकेगा, गेम आपको चिपकेगा। तो भाई उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख ही सकते हो मैं क्लोज में इतना दो चार फाइट लिया था, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। तब भी अगर आप भाई नॉर्मल गेम खेलते हो तो भाई ये फ़ोन ख़रीदना। तो भाई मुझे लगता है पोको M3 इसमें अच्छा ही सर्वाइव किया दूसरे इस बजट का मोबाइल में। तो देखते हैं भाई रियलमी नार्जो 30A कैसे सर्वाइव करता है बूट कैम्प में।
सात्विक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से, दबा के लाइक। तो भाई इसमें भी आपको स्मूथ से अल्ट्रा तक 40 FPS आपको डिफॉल्ट में सपोर्ट मिलता है ग्राफिक्स। तो देखते हैं बूटकैम हॉट डॉग में कोई लैग फेस करना पड़ता है कि नहीं। तो भाई गेम कुछ सेकंड के लिए अटक गया था, मतलब कुछ मिनी सेकंड के लिए गेम अटक गया था, तो आप देख ही सकते, इसलिए मैं नॉक हो गया। तो भाई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है, उतना भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हुआ जितना पोको M3 में हुआ है। तो भाई आपको इस फ़ोन का जायरोस्कोप भी अच्छा मिल जाएगा पोको M3 के मुकाबले। तो भाई इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा जितना पोको M3 में करना पड़ा है। तो भाई आपको इस फोन में भी गेम चिपकने देखने मिलेगा। तो भाई बूटकैंप में इतने सारे बंदे आते हैं आपको पता ही है, तो गेम तो चिपकेगा ही। तो भाई अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो तो ये दोनों फ़ोन में से कौन सा बेटर होगा आपके लिए, तो भाई मैं बोलूँगा रियलमी नार्ज़ो 30 AE आपके लिए बेटर होगा। Watch out!